हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास प्रिंटर में ये एरर आ रहा है, प्रिंट टेक्स्ट पेज फेल्ड, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइज, उसके बाद आपको ये सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, फिर आप जो है इसको यहाँ पर क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, फिर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जो है रन कमांड ओपन करना है, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसके सर्च बार में इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ फोल्डर को जो है आपको राइट क्लिक कर परमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपको आपका डेस्कटॉप नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये फुल कंट्रोल जो है अलाउ बॉक्स में जो है चेक होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके कीजिए, फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।